स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल चंदन टेक एंड कैशबैक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैप्स लॉक की का क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है। तो आप अपने कंप्यूटर में वर्डपैड खोल लें और उसके बाद आप कोई भी चीज़ जो है पहले ऐसे नॉर्मली टाइप कर ले। जैसे मैं अपना नाम लिख लिया, ठीक है, चंदन। ये बिना कैप्स लॉक ऑन किए मैं लिखा है, ठीक है। कैप्स लॉक मतलब होती कैपिटल लेटर। एक बार हम कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो सारी जो है मतलब जो है जो भी लिखेंगे सारी लेटर वो कैपिटल लिखा जाएगी। अब आप देखिए मैं फिर से जो लिखा इसमें चंदन मान जी, ये कैप्स लॉक ऑन करके लिखा। ऊपर जो मैं लिखा था कैप्स लॉक ऑन नहीं किया था, नीचे जो लिखा मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिखा। तो ये देखिए इसमें सारी लेटर कैपिटल लिखा गई। कैप्स लॉक मतलब होती है कैपिटल लेटर। एक बार ऑन कर देंगे तो वो मतलब कि पूरी लिखा जाएगी, पूरी कैपिटल हो जाएगी, ऑल कैपिटल। जैसे देखिएगा यहाँ कीबोर्ड में कैप्स लॉक को जैसे ऑन करेंगे तो सारी जो है लेटर जो सारी जो आपका ए बी सी डी जो भी है सारी आपकी कैपिटल हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि फिर से देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि कैप्स लॉक ऑन करके आपका देखिए फिर कैपिटल मतलब जो है एक बार कैप्स लॉक ऑन कर देंगे आपकी सारी जो भी आप लिखेंगे जो भी नाम जो भी टाइप करेंगे जो भी वर्ड सेंटेंस सारी कैपिटल लिखाएगी। अब जैसे देखिए कैप्स लॉक ऑन कर रहे हैं फिर ऑफ कर रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन कर रहे हैं कैपिटल लिखा रही है फिर ऑफ कर दे रहे हैं स्मॉल लिखा रही है, कैप्स लॉक ऑन कर रहे हैं कैपिटल लिखा रही है फिर ऑफ कर दे रहे हैं स्मॉल लिखा रही है, ठीक है। तो ये देखिए आप कैप्स लॉक जब हम ऑन करेंगे तो कीबोर्ड में ग्रीन कलर की लाइट भी उसमें एक मतलब की होगी वो भी जलेगी, ठीक है, वो जल जाएगी फिर ऑफ करेंगे वो बुझ जाएगी। ये इसकी सिंबल है कि कैप्स लॉक की ऑन है कि नहीं। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो उसमें ग्रीन वाली जो लाइट जो कीबोर्ड में वो जल जाएगी और उसको फिर से प्रेस करेंगे वो बुझ जाएगी। बुझा हुआ रहेगा तो वो ऑफ है, जला हुआ रहेगा तो ऑन है। अब जैसे देखिए मैं इसमें लिखा माय नेम इज चंदन मांझी। अब जैसे देखिए मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि कैप्स लॉक ऑन करने के बाद कैपिटल, उसके बाद जो है फिर ऑफ करने के लिए फिर कैप्स लॉक पे दाबना प्रेस करना होगा फिर जो स्मॉल लिखाने लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैप्स शिफ्ट दाब करके यदि हम लिखते हैं शिफ्ट प्रेस करके तो कैपिटल लिखा करके फिर जो है वो स्मॉल हो जाएगी। शिफ्ट को यदि हम प्रेस किए रहेंगे तभी वो कैपिटल लिखाएगी। शिफ्ट यदि की हम प्रेस करके लिखेंगे तो वो पूरी कैपिटल लिखाएगी, वरना शिफ्ट की हम जैसे छोड़ेंगे तो वो स्मॉल लिखा जाएगी। और कैप्स लॉक एक बार ऑन कर देंगे बाद कैप्स लॉक फिर मतलब कि प्रेस नहीं करनी होगी। एक बार ऑन करने के बाद ग्रीन मतलब कि कीबोर्ड में जल जाएगी उसके बाद पूरे कैपिटल लिखाएगी। और शिफ्ट में क्या है, शिफ्ट प्रेस करके मुझे लिखनी होती है। तो इसी तरह से आपको मैं बताया कि कैप्स लॉक की क्या यूज है और शिफ्ट प्रेस करके हम लोग जो लिखते जो है तो शिफ्ट प्रेस करके लिखते हैं तो सिर्फ कैपिटल लिखाते उसके बाद शिफ्ट छोड़ेंगे तो फिर स्मॉल लिखाएगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी कैशबैक से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो सब लाते रहता हूँ अपने YouTube चैनल चंदन टेक एंड कैशबैक पे। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद जय भारत।